हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हे ऑल, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अमूल अमूल लाइव पेज सिंपल होममेड रेसिपीज। माय नेम इज विहांग त्रिवेदी एंड आज की हमारी एक इजी रेसिपी है, चीज वेजिटेबल कैसेडिया की रेसिपी है। कैफे एंड रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, एकदम इजी टू मेक है। हम लोग आज कैसेडिया बनाने वाले हैं, एकदम सिंपल एंड होममेड स्टाइल से बहुत ही क्विक बन के रेडी होता है। एंड हम पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें इसके अंदर चीज़ और बटर का जो है ज़्यादा प्रकॉशंस होता है। पहले हमने पनीर लिया है, ये 150 ग्राम ऑफ हमने पनीर लिया है। चीज़ लिया है हमने 4 से 5 क्यूब्स, मैंने जो है छोटे वाले वो ग्रेट करके लिया है। अनियन लिए 2 छोटी वाली अनियन, क्योंकि इसमें कॉर्न भी हमने यूज करने वाले। 250 ग्राम ऑफ कॉर्न ये मैंने बॉईल करके लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा कच्चा भी उसे बटर में रोस्ट करके ले सकते हो, देन हम उसे कुक करेंगे। ये बेल पेपर्स है 3 कलर के, येलो, रेड एंड ग्रीन। ये मैंने तीनों का वेट करेंगे तो 350 ग्राम ऑफ बेल पेपर्स है। ये हमने जो प्रोसेस चीज लिया है सेम उससे आधा मोजरेला चीज, लगभग एक चम्मच जितना सॉल्ट, साल्सा सॉस, पेपर, गार्लिक ड्राई वाला जो हमारा नॉर्मल गार्लिक आता है वो, ग्रीन गार्लिक, कोरिएंडर, ऑलिव ऑयल, बटर एंड जेलपिनो सॉस। जेलपिनो सॉस ऑप्शनल है, इससे एकदम क्रीमी टेस्ट आता है क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग के लिए चीज ऐड होता है। तो ये ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा एंड रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। एंड ऑलिव ऑयल जो हर एक रेसिपीज को टेस्टी बनाता है, एक्स्ट्रा हेल्दी बनाता है। और कसेडिया का जो मेन है वो टोर्टिया होता है, ऊपर का जो लेयर रहता है वो मैंने पहले से प्रिपेयर्ड रखा है। यहाँ पे मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, ये वाली मैंने टोर्टिया पहले से प्रिपेयर्ड रखी है। इसको आपको अगर घर पे बनाना हो तो 1 कप ऑफ मैदा, ये 250 ग्राम ऑफ मैदा से हमारी 5 टोर्टिया रेडी हुई है। उससे हमें मिल्क के साथ हमें उसका डो रेडी करना होता है। बटर या ऑयल आप यूज कर सकते हो, सॉल्ट, जस्ट बेकिंग पाउडर ऐड करके उसे 1.5 आवर के लिए हम लोग साइड पे रख देंगे। देन आटा को फिर से लेके उसे जस्ट पाम से अच्छे से मसल के फिर हम लोग उसकी टोटिया रेडी करेंगे। एंड हम इसे हाफ सेक लेंगे एंड हाफ रॉ रखेंगे। बाद में कसेडिया इसके अंदर स्टफ करके फिर हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो रेडीमेड मार्केट से भी ले सकते हो एंड गेहूं की रोटी से भी कसेडिया एकदम हेल्दी बना के रेडी कर सकते हो। अभी मिलेट के लिए भी यूज कर सकते हो आप, रागी या ज्वार की रोटी भी उससे भी बना सकते हो हमारे कसेडिया, वो भी एकदम टेस्टी एंड हेल्दी रेडी होता है। तो हम लोग अभी हमारे टोटिया को साइड पे रखेंगे, पहले स्टफिंग का रेडी करेंगे। गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच भर के रूम टेम्परेचर बटर लेना है हमें, जस्ट वो मेल्ट हो। उसके बाद जो है हमें इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड करना है। आप लोग बटर ओनली बटर से भी बना सकते हो, बट ऑयल के साथ बटर का टेस्ट एकदम अच्छा एंड बढ़िया आता है। अभी हम लोग 2 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। देन ये अच्छे से गरम हो जाए, इसके ऊपर हम लोग गार्लिक, पहले हमें ड्राई गार्लिक डालना है। ये मैंने 4 से 5 कलियां गार्लिक की ली है, इसे 1 मिनट तक सौते कर लेंगे अच्छे से। बटर में गार्लिक सौते होगा तो एकदम यम्मी स्मेल आती है इसकी। ये अभी अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर पहले ग्रीन गार्लिक 1 टेबल स्पून, अभी अनियन ऐड कर देंगे हम लोग। मैंने 2 मीडियम अनियन ली है, आप चाहे तो बड़ी हो तो एक ही यूज़ करना, क्योंकि अनियन की फ्लेवर बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगेगी। उसके जगह हमें कैप्सिकम एंड बेल पेपर्स का जो है थोड़ा सा प्रपोर्शन ज़्यादा रखना है।
आप चाहो तो इसके अंदर बॉयल्ड राजमा भी ऐड कर सकते हो, फिर हमारे जो चने आते हैं चीक पीस वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जस्ट इसे 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये सिंपल एंड होममेड रेसिपी है, क्विकली बन के रेडी हो जाती है। हम लोग पार्टी स्नैक्स में, किटी पार्टीज में, फिर अभी एग्जाम टाइम में भी हम लोग बना के रेडी कर सकते हैं ये, क्योंकि चीजी एंड क्रीमी होता है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसके साथ भी हम लोग रेडी कर सकते हैं इसे। जस्ट अभी ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच जितना या टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे, ताकि अनियन की जो है कैरमलाइजेशन अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम लोग बेल पेपर्स ऐड करेंगे। बेल पेपर्स में कैप्सिकम के अलावा रेड एंड येलो जो कैप्सिकम है वो दोनों एकदम जूसी रहते हैं, तो ये एकदम जल्दी कुक हो जाते हैं, ताकि अनियन हम पहले पका लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग इसे पकाते हैं, ताकि दोनों का जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भी पकाना नहीं होता, वरना फीलिंग एकदम जैसे भाजी स्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं मेल्ट हो जाएगा सारा, तो उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं आएगा। एंड अब हम लोग कॉर्न ऐड करेंगे। इसे 1 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। चलो तो टेम्परेचर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। एक मिनट के बाद इसके अंदर हम लोग मसाला ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे सारे। अब हम लोग पहले हमने अनियन की साइड का सॉल्ट ऐड किया था, अभी हम लोग वेजिटेबल्स की साइड का सॉल्ट ऐड कर देंगे। पेपर 1-2 चम्मच इतना छोटे, 1-2 चम्मच सालसा सॉस, टोर्टिया के साथ सालसा का कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया रहता है, जेलेपिनो सॉस, और अभी हम लोग इसे एक बार मिक्स करके यस जागृति मैम एकदम कलरफुल डिश है ये। अभी आप देख सकते हो जैसे बेल पेपर्स कैरेमलाइज हो रहा है वो एकदम जूसी होते जा रहे हैं।
इस स्टेज पर हम लोग इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे ताकि पनीर भी जो है कुक हो जाए। आप चाहो तो इसी स्टेज पर बॉइल्ड राजमा या चना जो भी आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। पनीर एकदम जो है इसके अंदर क्रीमी टेस्ट देगा। थैंक यू जागृति मैम। अभी हम लोग इसके अंदर मोजरेला चीज एंड प्रोसेस चीज ऐड करेंगे। एक चम्मच जितना मोजरेला चीज एंड 3 से 4 चम्मच जितना प्रोसेस चीज। प्रोसेस चीज हम लोग टॉर्टिया के स्टफिंग में भी ऐड करेंगे इसके लिए। अभी हम लोग 1 टेबलस्पून जितना अनियन फ्लेक्स ऐड करेंगे। अनियन फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये भी टोटल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर थोड़ा सा पार्सली ऐड करेंगे, आप चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो ओरेगानो। इसमें ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। और बेसिल ऐड करेंगे। एंड चिली फ्लेक्स। देन अभी हम लोग गैस ऑफ कर लेंगे एंड इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। एकदम चीजी एंड टेस्टी जो है हमारा सॉस रेडी हुआ है। आप देख सकते हो मोजरेला चीज ऐड करने से चीज फोल भी बहुत अच्छा आता है। इसे बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है वरना ये सारे वेजिटेबल्स ओवर कुक हो जाएंगे। उसकी वजह से अभी हमने जो है गैस ऑफ कर लिया है और हम इसे इसी हीट पे, मतलब जो हमारा कढ़ाई गरम है उसी हीट पे हम उसे पका लेंगे और धनिया से गार्निश करके ढक के इसे हीट होने देंगे। और अभी हम लोग इसे साइड पर रख लेंगे एंड अभी हमारा टोर्टिया का फिलिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग कसेरिया स्टफ करना स्टार्ट करें। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। हम लोग तवा रख लेंगे। पहले हम लोग एक एक करके हमारी सारी टोटियाँ जो है, पहले हम लोग 1 टेबल स्पून पैन पे, हम लोग पैन गरम हो तब 1 टेबल स्पून जितना हम लोग ऑलिव ऑयल स्प्रेड करेंगे। जैसे इसकी हीट आना स्टार्ट हो तब हम लोग हमारी फर्स्ट टोटिया रखेंगे एंड उसे जस्ट पहले हमें स्टीम करना है ताकि उसका टेम्परेचर एकदम सेट हो जाए। हम लोग इसे ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। इसका कोट अच्छे से हो चुका है। अभी हम लोग चीज डालेंगे। पहले लेयर चीज का करेंगे हम लोग। एक साइड चीज रखेंगे
आप चाहो तो चीज थोड़ा कम ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग फिलिंग ऐड करेंगे। चीज के ऊपर फिलिंग अच्छे से उसके ऊपर हम रखेंगे। फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से गार्निश करेंगे। अभी जो है एक साइड से हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अभी हम लोग इसे फिर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से स्प्रेडिंग करके अभी इसे हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। और ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से हमारा फिलिंग जो है स्प्रेड हो जाएगा सभी साइड पे। पहले एक साइड पक जाए फिर हम लोग दूसरी साइड करेंगे। तब तक हम लोग जो है एक साइड से ये क्रिस्पी हो जाए इसके बाद जो है हम लोग अगला करेंगे। एक साइड से एकदम क्रिस्पी हो जाए नीचे की साइड से फिर हम लोग इसे पलट लेंगे। अभी हम लोग इसे धीरे से पलट लेंगे। आप देख सकते हो नीचे से हमारे टोटिया का कलर एकदम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग इसे फिर से पका लेंगे। देन अभी यहाँ पे हम लोग नीचे हमारी टोटिया रेडी करेंगे। जस्ट सेम जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, जस्ट 1/2 टेबल स्पून ऑफ बटर, ताकि बटर एंड ऑयल हमने अप्लाई किया होगा तो हमारी टोटिया एंड चीज़ जो है उसका फीलिंग हमें रफ नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया फीलिंग लगेगा। नीचे हम लोग बाद में ऑयल लगाएंगे, पैन पर लगाएंगे तो उसके अंदर ऑयल आ जाएगा। जस्ट स्टफिंग तो एकदम बढ़िया स्टफिंग हमारा बन के रेडी है। आप स्टफिंग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए। अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, एकदम ऐसा कलर आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है बस। एंड अभी हम लोग इसे उतार लेंगे एंड दूसरा टोटिया हम रख लेंगे। इसे हम लोग चॉपिंग बोर्ड पर ले लेंगे एंड जस्ट ऑयल अप्लाई करके दूसरा टोटिया जो है हम रख लेंगे। एंड इसे थोड़ा फिलिंग हम और भर के जस्ट एक साइड से गर्म हो जाए अच्छे से फिर उसको पलट लेंगे। इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो एकदम स्टिफ कंसिस्टेंसी आ जाए।
अभी ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम लोग कट कर लेंगे, वरना ये फिर से कट नहीं होगा। तो हम लोग इसके पीसेस, टू पीसेस में हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम चीजी है ये, एकदम चीजी बन के रेडी हुआ है। तो एकदम इजी टू मेक रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। क्विक स्नैक्स में भी हम लोग रेडी कर सकते हैं, इवन ब्रेकफास्ट में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। हमारी थर्ड वाली टोटियाँ हम लोग रख लेंगे। स्प्रिंकल ऑलिव ऑयल, फिर से एक लेयर चीज की, हम लास्ट में बोलना भूल जाते हैं थैंक यू ऑल व्यूअर्स कि वो लोग इतना टाइम निकाल के हमारी रेसिपी शो करते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं। एंड आई नो कि आप सब लोग घर पे ट्राई भी करते होंगे, क्योंकि इजी रेसिपीज हम सिंपल होममेड रेसिपीज सबके लिए इजी रहती है। जो सिंगल हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं या कहीं पे कोई सिंगल हो या घर पे भी कुछ इसको खाना हो तो भी वो घर पे अच्छे से इजीली रेडी कर सकता है। एंड कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपीज हम लोग शेयर करते हैं ताकि जो है जल्दी से भी बना सके एंड टेस्टी भी उतनी ही हो। जस्ट अभी सेम इसे भी हम लोग कट कर लेंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। इसको अभी हम लोग पलटा लेंगे। जस्ट अभी ये भी रेडी है, गैस ऑफ कर लेंगे। एंड इसे भी बोर्ड पर ले लेंगे। एंड अभी हमारा जस्ट वन सेकेंड, हम सारा मैशअप क्लीन कर लेते हैं। जस्ट टू सेकेंड्स, उसके बाद ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए तो हम सर्व भी अच्छे से कर सकते हैं। आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सब क्लीन कर लेता हूँ। थैंक यू। अभी हम लोग सर्विंग प्लेट ले लेते हैं। वैसे इतनी अम्मी रेसिपी को तो हम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बट वेरी टेस्टी है। साल्सा सॉस एंड हमारा जो मिंट मेयो आता है उसके साथ ये बहुत ही यम्मी लगती है। हमारी लास्ट को भी हम लोग कट कर लेते हैं। अभी हम लोग सर्व कर लेते हैं। इजी टू मेक, फटाफट से ये बन के रेडी हो जाती है एंड कभी भी हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। एकदम इजी मेक स्नैक है, जब मन चाहा तब बना के हम लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेडी है हमारी एकदम सिंपल एंड होममेड रेसिपी, चीज वेजिटेबल कसेडिया की रेसिपी।
आप इस हम लोग मैंने पहले भी टेक्सचर दिखाया, एकदम चीजी बन के रेडी हुई है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू अमूल की पूरी टीम, अमूल जो हमें इतना अच्छा चांस देता है। मैंने पहले भी बोला थैंक यू व्यूअर्स कि वो लोग हमें इतना अच्छा वॉच करते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो सबको थैंक यू। एंड हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, वॉच लाइव एंड हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।